हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। आज हर तरफ व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी का चर्चा है, हर कोई उसे डिस्कस कर रहा है और जानना चाह रहा है कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा यूजर्स पर। तो फ्रॉम स्ट्रेट वे मैं ये बात आपसे कर दूं कि जो प्राइवेसी में कतई उसकी इंटरफेरेंस नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस अकाउंट की हद तक अप्लाई करती है, लेकिन लोगों को ये ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई भी प्राइवेट टॉक होगी मेरी फ्रेंड से या फैमिली से तो वो भी डिस्क्लोज हो जाएगी, वो भी दूसरे ब्राउजर तक पहुंचा दी जाएगी, वो भी फेसबुक तक पहुंचा दी जाएगी। तो इस सारे इशू पे मैं एक डिटेल आज एक वीडियो तैयार कर रहा हूं जो कि हर एस्पेक्ट को कवर करेगी और आपको सेटिस्फाई कर देगी। अगरचे आप बहुत सारा मवाद देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और इवन व्हाट्सएप पे, तो जैसा आप जानते हैं कि वीडियोस मैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे करता रहता हूं जो कि कंप्रीहेंसिव होती है, जिसे सुनने के बाद, जिसे देखने के बाद आपको कहीं और से कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती। मैं हूं आरिफ करीम, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करते रहे, जो नहीं कर सके वो सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, सो दैट कि ऐसी यूजफुल एकेडमिक नोयत की वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए आप चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। तो व्हाट्सएप ने चंद दिन पहले एक मैसेज व्हाट्सएप पे देना शुरू किया जिसमें ये था कि उसे एग्री करें या डिलीट कर दें अपना अकाउंट। उसमें ये था, न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के रेफरेंस से था, और अगर 8 फरवरी तक का टाइम था कि अगर 8 फरवरी को एग्री नहीं करते नई न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर प्राइवेसी जो व्हाट्सएप ने बनाई है, जो कि अप्लाई कर रहे हैं जो कि 8 फरवरी से, तो ये वाजे वार्निंग है कि वरना आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि डोंट वरी अबाउट दैट, आंखें बंद करके आप उस पर एग्री कर दें। तो जो ये एक र्यूमर्स क्रिएट की जा रही है या ऐसी फिजा क्रिएट की जा रही है जो कि राइवल जो है व्हाट्सएप के, उनकी तरफ से भी हो सकती है। उनके जो मेन राइवल है जो कि सेम पैटर्न पे काम करते हैं, वो एक तो बड़ी कंपनी है सिग्नल और दूसरी है टेलीग्राम। इस प्रोपेगेंडा की वजह से बहुत सारे यूजर्स वहां शिफ्ट भी हो गए हैं और उनकी जो इंस्टॉलेशन है वो बड़ी है और व्हाट्सएप की निस्बतन कम हुई है। तो ये एक ऐसी गलत फहमी है जो कि मैं दूर करना चाह रहा हूं, जैसे कि मैं फौरी तौर पर आपको कह चुका हूं कि फौरन आंखें बंद करके आप उसे एग्री कर दें। तो ये माय डियर, ये जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है, इसे समझने के लिए थोड़ा सा मैं ऐसी मिसालें आपके सामने दूंगा जो कि आपको फौरी तौर पर समझ आएंगी। जो भी यूजर्स हैं व्हाट्सएप के, वो डेफिनेटली फेसबुक तो यूज करते हैं, इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं, ट्विटर भी यूज करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी ये ब्राउजर्स हैं, सर्च इंजन्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ये डिपेंड करते हैं, ये बिजनेस ही तो लेते हैं। बिजनेस कैसे? ये एड्स लेते हैं कंपनियों से ये चार्ज करते हैं और उन्हें देते क्या हैं? देते हैं कस्टमर्स, देते हैं। और कस्टमर्स कैसे मिलते हैं? कस्टमर्स को ये ऐसी चीजों से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ऐसी फैसिलिटीज उन्हें देते हैं। लेट्स सपोज, चले व्हाट्सएप का ले लें, यहाँ पे कॉल फ्री है, ऑडियो कॉल फ्री है, वीडियो कॉल फ्री है, और आप जितनी मर्जी मैसेजिंग करें, जितनी मर्जी दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें, जितना मर्जी वट एवर डेटा, तो वो एक बड़ा बेनिफिशियल है आपके लिए और बिजनेस के लिए भी बड़ा काम आता है, एक रिक्रिएशन भी है, एंटरटेनमेंट भी है। तो आप देखें कि व्हाट्सएप जब आपको सब कुछ फ्री दे रहा है तो वो आपसे ले क्या रहा है? एक वैसे एक सीख है कि जब आपको कोई चीज फ्री दी जा रही हो तो उसका मतलब ये है कि अगर वो आपको चीज फ्री दी जा रही है तो आप ही वो कमोडिटी है जिसे सेल किया जा रहा है, जिसको सेल करके वो फैसिलिटी, वो सहूलत, वो रिक्रिएशन वो आपको दी जा रही है। चले अब थोड़ा सा साइड पे होके अब दूसरी टॉपिक के फिर आते हैं। तो ये सिर्फ व्हाट्सएप का एक तो रूटीन का अकाउंट है, दूसरा बिजनेस अकाउंट भी है। बिजनेस अकाउंट ऑब्वियसली जो कंपनीज हैं वो बिजनेस अकाउंट बनाती है, अगरचे आम लोगों ने भी बना लिया है जो कि बिजनेस नहीं करते, लेकिन बहरहाल वो बिजनेस अकाउंट है बिजनेस कंपनीज के लिए। तो व्हाट्सएप ने आप फेसबुक, यू नो कि फेसबुक
और व्हाट्सएप दोनों एक हैं। फेसबुक ने परचेज कर लिया था व्हाट्सएप को 2014 में, तो उसके बाद से व्हाट्सएप तो जाहिर है ये दोनों एक हो गए। और यू नो कि गूगल की दोनों प्रोडक्ट हैं फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ट्विटर और क्रोम ब्राउजर, ये सारी गूगल की प्रॉपर्टी है। अब इनका हुआ ये कि एप्पल इनकी राइवल कंपनी है, उसका अपना एंड्रॉयड सिस्टम अलग है, तो उन्होंने ये करना शुरू किया। इन दोनों की बैटल चलती रही है अमेरिका में, यूके में या दूसरे कंट्रीज में, डिफरेंट एप्स के रेफरेंस से या डेटा वहां पे अगर कोई लेके जा रहा है, खासतौर पर व्हाट्सएप या फेसबुक शेयर कर रहे हैं, तो एप्पल की लिटिगेशन भी चलती रही है। तो अब दोबारा से प्राइवेसी पॉलिसी की तरफ आते हैं। तो प्राइवेसी पॉलिसी है क्या, मांग क्या रहा है व्हाट्सएप? व्हाट्सएप ये परमिशन मांग रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग कि आप कहेंगे कि ये तो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। व्हाट्सएप ये कह रहा है कि जो आप कोई ऐसी शेयरिंग करेंगे जो कि बिजनेस रिलेटेड होगी, यानी मसलन आप कोई बिजनेस रिलेटेड चीज आम रूपों में शेयर करते हैं जिससे आपको बिजनेस मिलता है, तो इसको अलग रखें। और दूसरी चीज है जो आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग करते हैं, तस्वीर करते हैं, वीडियोस करते हैं, वो डेटा आपका सिक्योर्ड है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, वो डेटा कहीं नहीं जा रहा, और जो लोकेशन है वो भी कहीं नहीं जा रही। व्हाट्सएप सिर्फ ये करेगा कि जो बिजनेस इंटरेस्ट है आपके, जो बिजनेस नजर आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, आजकल तो हर एक मीडिया ग्रुप ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो वहां पे तो वो बड़े एड शेयर करते हैं, बड़े लिंक शेयर करते हैं, वो बड़ा बिजनेस लेते हैं, तो व्हाट्सएप यही बिजनेस कर देगा, यही बिजनेस इंटरेस्ट शेयर कर देगा फेसबुक पे। अब आप मजीद इंटरेस्टिंग है, फेसबुक यूज करते हुए आपको एड्स नजर आती है, बड़ी एड्स पे आप क्लिक करते हैं, बड़ी ऐप नजर आती है, आप समटाइम्स उसे क्लिक करते हैं और उसे डाउनलोड भी कर लेते हैं। तो जब आप उसे डाउनलोड करते हैं या उस पर क्लिक करते हैं, तो फेसबुक को बिजनेस मिलना शुरू हो जाता है उस ऐप की तरफ से, उस बिजनेस कंपनी की तरफ से। तो आप फेसबुक से लिंक आपको मिलता है जो कि सीधा आपको लेके जाता है गूगल प्ले पे, गूगल प्ले पे जाते हैं, आप देखते हैं कि ऐप आपको सूट करती है, उसका रिव्यूज देखते हैं, अगर उसके स्टार्स देखते हैं सूट करती है तो आप उसे डाउनलोड कर देते हैं। तो ये बिजनेस गूगल को मिलता है, फेसबुक को मिलता है। अब होगा ये, मजीद सिंप्लीफाई करता हूं, आप फेसबुक जब यूज कर रहे होते हैं तो आपको जितने भी लिंक्स मिलेंगे, एड्स मिलेंगे, वो सारी आपको लेके जाएंगी डायरेक्ट वेबसाइट की तरफ या गूगल प्ले पे लेके जाएंगी। कोई भी आपको लिंक व्हाट्सएप पे लेके नहीं आएगा, व्हाट्सएप पे वो लिंक आप शेयर जरूर कर सकते हैं, शेयर के ऑप्शन में जाएं। मसलन आजकल ऑनलाइन शॉपिंग है, लेट्स सपोज कि गारमेंट्स की किसी या शूज की किसी आपको एड नजर आती है फेसबुक पे, तो आप उसे क्लिक करेंगे, वो पर्टिकुलर ऐप भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं या उसी में जाके आप अपना प्लेस कर सकते हैं, परचेसिंग का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन वो वहां वो डायरेक्टली आपको फेस व्हाट्सएप पे लेके नहीं जाएगा। अब होगा ये कि आप प्रेस करेंगे बटन, वो गूगल प्ले भी लेके जाएगा आपको, उनकी डायरेक्ट वेबसाइट पर भी लेके जाएगा और व्हाट्सएप पर भी ले जाएगा। अब इंटरेस्टिंग ये कि व्हाट्सएप पे जब आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप पे तो आपका अपना अकाउंट है या आपके दोस्तों का अकाउंट, वो किस अकाउंट में लेके जाएगा? यहां ये बड़ी दिलचस्प बात है, वो दैट लिंक इज जस्ट लाइक वेबसाइट। व्हाट्सएप पे समझ लेंगे उस कंपनी की वेबसाइट वहां पे भी ओपन हो जाएगी जैसे आप क्लिक करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, बिजनेस अकाउंट वाले जानते हैं, जो आम अकाउंट यूज कर रहे हैं उनके लिए इंटरेस्टिंग होगा, जैसे क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, व्हाट्सएप पे आप आएंगे तो उस वेबसाइट उस कंपनी की वेबसाइट पे चले जाएंगे या जो भी उनका डिटेल बिजनेस का होगा तो चले जाएंगे। जस्ट लाइक वहां से जो बिजनेस मिलेगा, व्हाट्सएप से जो बिजनेस मिलेगा, लिंक आप प्रेस करेंगे फेसबुक पे और बिजनेस आपको मिलेगा व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे जाएंगे वहां पे मजीद आप वहीं से आप एक तो फेसबुक पे आप डायरेक्ट चले गए गूगल प्ले पे या वेबसाइट, जब आप व्हाट्सएप पे आगे थ्रू फेसबुक तो वहां पे क्या होगा, वहां पे सारी बिजनेस डील होगी, वहां पे उस कंपनी की वेबसाइट भी खुलेगी, वहां पे दीगर लिंक्स भी मिलेंगे, तो फिर वो व्हाट्सएप रह जाएगा। सारा कुछ करके आप वहीं पे वापस आप आ जाए, फेसबुक पे आना चाहें तो वेल एंड गुड, ना भी आना चाहें तो व्हाट्सएप तो चलती रहेगी। आप बैक क्लिक करेंगे तो आप नॉर्मल जो कॉन्टैक्ट्स हैं आप वहां पे आ जाएंगे, वो आपको वैसे होता है कि आप वही कॉन्टैक्ट देखना शुरू कर देंगे, फेसबुक पे माइट भी वापस ना भी जाए। अच्छा ये तो हो गया,
अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग जो कि व्हाट्सएप ने क्लैरिफाई किया है अभी एक दिन पहले, ये सारी चीज़ें कि हम ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे, आपकी लोकेशन प्रोटेक्टेड है, आपके कॉन्टैक्ट्स प्रोटेक्टेड हैं, सिर्फ वो जो बिजनेस वाली बातें हैं वो फेसबुक पे जाएंगी, फेसबुक पे आप दोबारा व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, तो इसका आम यूजर को कोई नुकसान नहीं है। वो यही चीज़ें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, गूगल, गूगल प्ले पे, क्रोम पे सारा कुछ देखता आ रहा है, एड्स उसके सामने आती हैं और एड्स उसकी डिस्पोजिशन, उसकी पसंद नापसंद के मुताबिक आती हैं कि आप जो पसंद करते हैं, अगर आप पिज्जा पसंद करते हैं तो आपको पिज्जा रिलेटेड एड्स आएंगी, जो ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं पिज्जा, पिज्जा आउटलेट्स वो आ जाएंगी, अगर शूज की है, अगर सियाहत की है, मसलन एक आप देखिए वर्चुअल ऐसी एप्स हैं जो कि वर्चुअली आपको किसी एक खास इलाके में ले जाती है और आपकी लोकेशन वहां भी दिखाती है। मसलन बाकायदा अगर आप उन्हें प्रेस करें, एक तो गूगल मैप्स हो गया, उसमें भी आपको डायरेक्ट नजर आता है, लाइव नजर आता है, फिर ऐसी ऐप्स है जो कि फेसबुक पे आपको मिलेंगी, ऐसी ही ऐप जब फेसबुक पे जाएंगे तो वो व्हाट्सएप पे भी मिलेंगी, तो वो तो मजीद अट्रैक्टिव होंगी। बिजनेस तो मिल गया, लेट्स सपोज आप फेसबुक पे तो चला रहे हैं वीडियो, तो अगर व्हाट्सएप पे आते हैं तो व्हाट्सएप पे तो मजीद उसकी मजीद ब्रॉड होके आपको मिलेगी, वहां पे तो कॉल फैसिलिटी ज्यादा है, वीडियो कॉल है, ऑडियो कॉल है, तो वो ज्यादा आपको अट्रैक्ट करेगी। लेट्स सपोज वर्चुअली आप उस ऐप पे जाते हैं, बहुत सी ऐप है, मैं किसी एक ऐप का जिक्र नहीं कर रहा, वो फेसबुक पे आपको अट्रैक्ट करती है तो आप आ जाते हैं उसे प्रेस करके व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे लेट्स सपोज रशिया आप देखना चाह रहे हैं कि लाइव वहां पे क्या हो रहा है, साइबेरिया, अगर विंटर सीजन है, स्नोफॉलिंग हो रही है, तो वो अट्रैक्ट करेंगे जी चले साइबेरिया चलते हैं, वहां पर तो दर्जा हरारत कितना नीचे है कि आप सोच भी नहीं सकते, तो आप बड़ा एंजॉय करेंगे, लाइफ है, आप अपना लाइफ कर दे, वो वहां पे आपको बड़ा अच्छे तरीके से नजर आएगा, तो बिजनेस कंपनीज के जरिए बिजनेस मिलेगा। अब मजीद कि जब व्हाट्सएप ऑलरेडी ये सब कुछ कर ही रहा है तो अब नया क्या उसने ऐसा डाल दिया, हंगामा क्या हो गया, ये तो चल रहा है, जितनी भी एप्स हैं, जितने भी ब्राउजर्स हैं, जितने भी सर्च इंजन्स हैं, वो सारे चलते ही एड्स में हैं, उनका बिजनेस ही यही है, और उसके बदले आपको वो देते क्या है, बड़ी एंटरटेनमेंट देते हैं, बड़ी अच्छी एप्स देते हैं, कैमरा एप्स देते हैं, टूरिस्ट एप्स देते हैं, और जस्ट लाइक टिकटॉक्स, लाइकी और ये सारी एप्स वो आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हैं और आपको बिजनेस भी देते हैं, अदरवाइज तो वो एड्स भी देखनी पड़ती है, और लोग अक्सर माइंड नहीं करते कोई भी ऐप है, तो वो बल्कि जब रिव्यू में जाते हैं तो वो ये लिखते हैं कि आई डोंट माइंड एड्स, बाकी सर्विस आप अपनी अच्छी करें, तो ये चीजें तो चल रही हैं। तो आप जो एक ट्रेंड नजर आया है कि टेलीग्राम सिग्नल पे बहुत से लोग गए हैं, लेकिन जैसे ही व्हाट्सएप ने क्लैरिफाई किया है अपना अपना ये मौकफ, तो अब इसमें एक और चीज होने जा रही है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब तुर्की ने फौरी तौर पे बीप अपनी ऐप लॉन्च कर दी है, तैयब अर्दगान ने अपना व्हाट्सएप का अकाउंट डिलीट कर दिया है, अब उन्होंने अपना इवाल्व कर लिया है, ऐप इवाल्व कर लिया है जस्ट लाइक व्हाट्सएप, अब वो सारा वहीं पे कर रहे हैं, व्हाट्सएप डिलीट करते जा रहे हैं, और तुर्की में फौरन जैसे ही 2 दिन पहले ये लॉन्च हुई है तो 5 लाख सब्सक्राइबर तो तुर्की के हो गए और करोड़ों की तादाद में तुर्क जो है अब्रॉड दुनिया में फैले हुए, वो भी और दूसरे भी यूजर्स वहां पे आ गए, इंडिया में भी है और पाकिस्तान भी अपनी ऐप बनाने जा रहा है। वो इसलिए जरूरी हो गया है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि गवर्नमेंट मुख्तलिफ इदारे भी व्हाट्सएप को यूज कर रहे होते हैं, वो मालूमात, वो इंफॉर्मेशन, वो डिटेल, वो उस तरह सीक्रेट नहीं रहेगी, क्योंकि व्हाट्सएप अश्योर ये कर रहा है कि अगर मैं हूं तो मेरी फैमिली के साथ टॉक वट एवर कम्युनिकेशन में कर रहा हूँ वो प्रिजर्व है, वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, मींस के वो हिडन है, वो सीक्रेट है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब है कि वो सीक्रेट है, वो व्हाट्सएप भी नहीं देख सकता, मेरे फ्रेंड्स के साथ जो गुफ्तगू हो रही है, जो मेरी पर्सनल लॉगिन में कर रहा हूँ वहां पर, वो सारा तो महफूज है, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी बात करता हूँ फैमिली और फ्रेंड के साथ तो जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पे हो क्या रहा है कि मुख्तलिफ ऐसी ऐसी चीजें डिस्कस हो रही हैं जो कि फैमिली फ्रेंड्स के साथ डिस्कस तो हो ही नहीं है, लेकिन वो ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अदरवाइज
डिस्कस नहीं होने चाहिए, उस तरह से डिस्कस नहीं होने चाहिए। तो वो सिक्योर्ड नहीं रहे, जिस तरह अगर पाकिस्तान कर रहा है तो यहाँ के इदारों के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आर्मी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कितने इदारों के अकाउंट्स जो है व्हाट्सएप के जरिए भी चल रहे हैं, फेसबुक के जरिए भी चल रहे हैं, गूगल पे भी है, विकिपीडिया पे भी है। तो वो उनको मुहतात होने की ज़रूरत है। उन सारी कंट्रीज ने ये देख लिया, वो अपना सारा अपना सिस्टम इवाल्व कर रहे हैं। और यू नो कि चाइना का तो ऑलरेडी है, वो तो व्हाट्सएप के इस वर्जन जो कि अमेरिकन वर्जन, इस पे तो गवर्नमेंट लेवल पे तो आए ही नहीं। तो ये सारी कुछ जो तफसीलात आपसे मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट करूंगा कि फौरी तौर पे एग्री कर दें। तो जो डिसएग्री कर रहे हैं तो उनके इश्यूज ऐसे होते हैं कि जो जरा सा भी वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, तो वो राइट रहे, वो अपनी अपना सिस्टम बना रहे हैं, अपनी व्हाट्सएप बना रहे हैं। नाम तो जाहिर है डिफरेंट होगा, सिग्नल है तो इसे आप आम लैंग्वेज व्हाट्सएप भी कहें, टेलीग्राम है तो उनका भी पर्पज़ यही है, तो सर्विसेज वो भी यही दे रहे हैं। लेकिन उनकी सर्विसेज व्हाट्सएप तक मैं नहीं समझता कि व्हाट्सएप से कंपेयर की जा सकती हो। व्हाट्सएप अगरचे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, लेट्स सपोज कि 250 तक आप एक ग्रुप बना सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन ऑब्वियसली अभी टेलीग्राम पे या सिग्नल जो सेम टाइप ऑफ ऐप्स है वहां पे नहीं, इससे बड़ा ग्रुप बना सकते हैं। और व्हाट्सएप ये कर रहा है कि मेमोरी जो यूज, मेमोरी आपके मोबाइल की यूज होती है व्हाट्सएप पे आजकल, पहले व्हाट्सएप की अपनी मेमोरी थी, अगर आपकी 16 GB है मेमोरी तो चले 5 GB तो वैसे ही वो सिस्टम में चली जाती है, तो 11 GB तो आपके पास रहती थी जो कि आपकी अपनी हद तक यूज होती थी। लेकिन आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप जितनी वीडियोस या पिक्स डाउनलोड होती है तो वो मेमोरी आपकी यूज हो रही होती है, तो बार बार मैसेज आता है कि जी, और व्हाट्सएप ने 3 GB तक मेमोरी आपको दी हुई है। 3 GB मेमोरी डज नॉट मीन कि उन्होंने दी हुई है, वो ये कह रहे हैं कि 3 GB की हद तक आप अपने मोबाइल की मेमोरी यूज करें, तो वो आपको इंडिकेशन देना शुरू कर देगा कि मेमोरी इज फुल, तो डिलीट करें सब आइटम्स। तो आप डिलीट करते हैं, आप परेशान हो जाते हैं कि बाकी सिस्टम भी शायद काम नहीं करेंगे, तो वो व्हाट्सएप के आता है। ये फैसिलिटी अभी जाहिर है टेलीग्राम पे भी रिस्ट्रिक्टेड है, वो भी मेमोरी मोबाइल की हद तक यूज करते हैं, अपनी उनकी मेमोरी किसी हद तक देते हैं। और अगर सिग्नल भी दे रहा है, क्योंकि वो राइवल इनका है, आप तो वो ज्यादा पैकेज देगा, वो पता आप जानते हैं कि वो सिग्नल कंपनी है एप्पल की, एप्पल की सब्सिडियरी है, तो एप्पल ही इनका राइवल ग्रुप है, तो वहां पे मेमोरी के हद तक कुछ बेहतर होगा। लेकिन व्हाट्सएप बड़ी अच्छी सर्विस फ्राम करता रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई एडवोकेसी कर रहा हूँ व्हाट्सएप की, लेकिन हम इसे यूज कर रहे हैं तो हमें इतनी ज्यादा फैसिलिटीज दे रही है। तो मैं सिर्फ जो एक रूमर्स थी जो कि रॉन्ग नोशन से, उन्हें मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है जैसा कि लोगों ने समझ लिया है कि पता नहीं क्या क्यामत आएगी, ऐसा नहीं है। तो इससे ये बहरहाल एक पॉजिटिव पहलू तो है कि ये सारी कस्टमरशिप यूजर्स सारे आप व्हाट्सएप पे तो नहीं रहेंगे, 2 अरब यूजर हैं, 2 बिलियन अराउंड द वर्ल्ड ये यूजर्स अब डिस्ट्रीब्यूट होंगे। डिस्ट्रीब्यूट किस तरह होंगे, अगर वो एप्पल की तरफ जाते हैं, टेलीग्राम की तरफ जाते हैं, तो इट मेक्स नो डिफरेंस, ये यूजर्स अब अपने अपने कंट्रीज की तरफ आ रहे हैं। हर कंट्री अपना सिस्टम ला रही है, वो कंट्रीज यानी हर कंट्री से मतलब ये नहीं है कि जो 355 कंट्रीज हैं या लगभग वो सारे कर रहे हैं, वो सारे अफोर्ड भी नहीं कर सकते, ना वो उन्हें करने की जरूरत है। ये सिर्फ वो कंट्रीज जो स्ट्रेटेजिकली अपनी कम्युनिकेशन को ज्यादा हिडन रखना चाहते हैं, ये सिर्फ वो कंट्री, मसलन तुर्की ने फौरन कर लिया, रशिया, चाइना पहले कर चुके हैं, इंडिया कर चुका है, चाहे वो पाकिस्तान भी अब इंडिकेट कर चुका है, अनाउंस कर चुका है कि ये अपना सिस्टम लेके आएगा। और व्हाट्सएप से यूरोपियंस को उनका सेम सिस्टम, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो व्हाट्सएप भी चलती है, लेकिन किसी वक्त वो भी ला सकते हैं कुछ टैक्स इशू से, या अगरचे उन्हें आमदन तो हो रही है व्हाट्सएप अगर कर रहे हैं, तो अगर उनकी कंट्री में व्हाट्सएप यूज हो रहा है तो उन्हें तो जाहिर है पेमेंट हो रही है टैक्स की सूरत में। तो ये एक ऐसे इश्यूज हैं, ये हर कंट्रीज को देखना पड़ेगा कि अगर इंडिया, पाकिस्तान या तुर्की बनाते हैं तो इनकी रीच तो बड़ी लिमिटेड होगी, वेयर एज व्हाट्सएप की रीच तो
थ्रू द वर्ल्ड है और बहुत ज़्यादा है और ये उससे ज़्यादा कलेक्शन करते हैं व्हाट्सएप पे, ये थ्रू टैक्सी, थ्रू बिजनेस। तो इन्हीं के साथ मेरा आप चैनल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए, आप पर आपके पास मेरी वीडियोस पहुंचेगी। तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा कमेंट्स में, मैं उनको रिप्लाई करूंगा। तो मैंने इस तरह से बात चीज़ों को मैंने टच नहीं किया, इंटेंशनली टच नहीं किया, ऐसी चीज़ें बताई हैं जो कि आप समझ आ जाए। सरदस्त इशू तो यही है ना कि हम उसे एग्री करें, वो टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करें या ना करें। तो वो मैंने आपको बताया कि वो एक्सेप्ट करें, वो इतनी ज़्यादा रिस्की नहीं है, ना आपका कोई ऐसा डेटा उनके पास जाके मिस यूज होने वाला है। आपका डेटा यूज होता है, फेसबुक पे यूज होता है, कैसे उन्हें पता चलता है व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो वो उसी के मुताबिक एड्स भी आते हैं। शॉपिंग ऑनलाइन का ट्रेंड है तो शॉपिंग ऑनलाइन की तो बहुत सी एड्स आती है, तो ये आप ऑब्वियसली व्हाट्सएप पे भी आएंगे। तो स्टेटस की जो लिमिट है वो भी वो देखेंगे कितनी करनी है। तो ये एक इशू है जो कि बाद में आएगा, जो बीइंग एन एडवोकेट मैं वैसे हाईलाइट कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे जो बिजनेस मिलता है किसी कंट्री को या उसमें वो टैक्सेस चार्ज करते हैं तो वो वर्ल्ड वाइड होता है। अब ये हर कंट्री जब बनाएगा तो फिर भी बिजनेस वालों को व्हाट्सएप पे जाना पड़ेगा, बिजनेस अकाउंट व्हाट्सएप का ही रहेगा क्योंकि उसकी अप्रोच रीच पूरी दुनिया तक है और जब तक कि दूसरा राइवल पूरी दुनिया को भी उसी तरह डोमिनेट नहीं करता, जो कि उस हद तक ज़्यादा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। ये छोटे सर्च इंजन या इस तरह व्हाट्सएप टाइप चीज़ें एक दो कंट्रीज तक ही महदूद रहेंगी। इन द एंड फिर व्हाट्सएप तो जो भी पायनियर है वो ऐसे बेनिफिट लेता है, तो दूसरे आके बेशक अपना अपना हिस्सा लेते हैं लेकिन वो उसे उस तरह से डिफीट नहीं कर सकते। और फिर इनके पास तो सारी कंपनीज हैं, ये होल्ड करते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। एनीवे तो मैं इन्हीं इसी आज की वीडियो पे इत्तफाक करूँगा। आई होप कि ये आपको पसंद आई होगी और जो आज का बर्निंग इशू है उसके मतलब आप को बड़े अच्छे तरीके से मालूम मिल गई होंगी, तो आप सेटिस्फाइड होंगे। आप बेशक आप कहीं से भी बात आप पढ़ेंगे व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप पे भी, और ये भी इंटरेस्टिंग है कि व्हाट्सएप ने ब्लॉक नहीं किया वो बात जो कि उनके खिलाफ जा रहे हैं, जो कि वादे तौर पे लिख रहे हैं कि नहीं व्हाट्सएप ये कर रहे हैं, र्यूमर्स जो फैला रहे हैं, तो ये पता नहीं व्हाट्सएप क्यों बंद नहीं कर रहा। हालांकि ये बड़ा सिस्टम सेंसिटिव होता है, व्हाट्सएप चाहे तो फौरन बात कर सकता है, जहां भी टेलीग्राम का लफ्ज आए उसे सेंसर कर सकता है, सिग्नल का लफ्ज आए सेंसर कर सकता है, या कोई भी ऐसी चीज वो व्हाट्सएप पे ऑन एयर नहीं जा सकती, लेकिन वो जा रहे हैं तो वो बोल्डली फेस कर रहे हैं इसे। लेकिन उन्होंने ट्विटर पे स्टार्ट किया है ये सारी वजाहत, क्योंकि ट्विटर पे इसलिए जरूरी था, ट्विटर से लिंक उन्होंने दे दिए हैं, व्हाट्सएप पे भी दे दिए, फेसबुक पे भी सारी वजाहत है, जो कि विल कैथकार्ट उनका जो ओनर है व्हाट्सएप का, उसकी जो उसने जो भी कुछ बयान किया है, क्योंकि ट्विटर पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, बड़ी कंपनीज वहाँ भी होती हैं, गवर्नमेंट्स वहाँ भी होती हैं, सेलेब्रिटीज होती हैं जो कि मैटर करती हैं, तो वहाँ पे आ गया तो वहाँ पे सबसे पहले पहुँचा पूरी दुनिया तक ट्विटर के जरिए। तो अब जाहिर है सबके पास आ गया, आपके पास भी आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी इस पर डेफिनेटली होगी, आप कमेंट दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक वो और ज़्यादा डिफरेंट एंगल ये होगी, और ज़्यादा एक कंप्रीहेंशन होगी, कंप्रीहेंसिव होगी। तो लेकिन ये टॉपिक आज का आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। ओके।